चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, हम आपसे आज बातचीत करेंगे सी टेट वर्ष 2019 के एग्ज़ाम पर, जिसके अंतर्गत आपके सभी पांचों सेगमेंट में बातचीत की जाएगी। आज पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आज विस्तार से चर्चा होगी। आज आपको यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के तहत किस प्रकार से आप अध्ययन करें, किस प्रकार के दृष्टिकोण के माध्यम से आप अपनी तैयारियों को शुरू करें, किस प्रकार के दृष्टिकोण के माध्यम से आप अपने नोट्स को तैयार करें, और वह कौन सा तरीका हो जिसके माध्यम से आप बेहतर प्रश्न एनालिसिस करें, और उसके माध्यम से आप अपने इस वर्ष 2019 में होने वाले सीटेट एग्ज़ाम में बेहतर ढंग का प्रदर्शन कर पाएँ। तो चलिए, आज यहाँ पर विस्तार से आपके बीच चर्चा की जाएगी, और आज पाठ्यक्रम विश्लेषण होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक दृष्टिकोण विकसित होने की बात होगी, जहाँ पे आप इस बात को पाएंगे कि आपको सिलेबस को पढ़ते समय, उसके एक एक पॉइंट को ध्यान देते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए, किन बिंदुओं को किस आधार पे एनालिसिस करना चाहिए। और चूंकि आपसे बातचीत हो रही है पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन के तहत उस प्रमुख बिंदु पर आज से आप अपना एक व्यापक दृष्टिकोण स्थापित कर पाएंगे कि आप पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को किस प्रकार पर्यावरण के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ करके सीटेट के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएं। इसके साथ ही उन सभी समस्याओं पर भी आपसे चर्चा होगी जो आप अपने वास्तविक एग्ज़ाम देने के समय कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो चलिए, हम आपसे सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं आज के इस सिलेबस विश्लेषण पर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सबसे पहले क्रम में आपको बता दें कि CTET अर्थात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फुल फॉर्म है, के अंतर्गत 5 सेगमेंट में विभाजित करके आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, और इस एग्ज़ाम का जो दृष्टिकोण या ये एग्ज़ाम जो आपसे जानना चाहता है, सबसे प्रमुख बात इसी बात में निहित है कि इस सीटेट के एग्ज़ाम के थ्रू आप इस बात पे फोकस करेंगे कि आप पहले से प्रशिक्षण प्राप्त किए, आप बीएड किए हों, डीएलएड किए हों, बीटीसी किए हों, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हों, आप पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तो कहीं और इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एडमिशन लेने की निम्नतम योग्यता ही ग्रेजुएशन होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपको ग्रेजुएट मान करके प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात आयोग के द्वारा ये माना जाता है कि आप में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस सीटेट के एग्ज़ाम के माध्यम से परखने की का क्या प्रयास किया जाता है कि आप प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक बनने के क्रम में जो स्किल कौशल आपको प्राप्त करना चाहिए था, उसको किस हद तक, किस सीमा तक, कहाँ तक आप प्राप्त करने में सफल हुए हैं, इस बात की को परखने की, इस बात को जानने की आयोग की क्रियाविधि सीटेट के नाम से जानी जाती है। और इसी सीटेट के वर्ष 2019 के एग्ज़ाम में पर्यावरण सेगमेंट पर आज हम आपसे महत्वपूर्ण बातचीत होगी। यहाँ पे आज की बातचीत का जो मुख्य फोकस और बिंदु है वो है पाठ्यक्रम विश्लेषण, और आपको यहाँ पर बता दें कि पूरे सीटेट के क्रम में इसका जो सिलेबस होता है, जो आपको बताया कि सीटेट का सिलेबस 5 भागों में विभाजित होता है, बाल विकास, पर्यावरण, गणित, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। तो यहाँ पे यदि हम आपसे बात करें कि इस पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर ध्यान देंगे कि पर्यावरण अध्ययन में अंकों की सबसे पहले बात कर ले कि अंक क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यह 30 अंक का पर्यावरण अध्ययन आपके सीटेट में एक सेगमेंट के रूप में जुड़ा हुआ है।
लेकिन यहाँ पे ये 30 नंबर सिर्फ जान लेना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आप अब अगले क्रम में ध्यान पे देंगे कि यहाँ पर एक लाइन बीच में खींची गई है और लाइन के कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ क्रमबद्ध तरीके से कुछ बिंदुओं को सजोया गया है। इन बिंदुओं के माध्यम से आपको सिलेबस बताने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक क्रम एक तरफ लिखा हुआ है विषय वस्तु और दूसरी क्रम में लिखा हुआ है अध्यापन, अर्थात ये 30 अंकों ये पर्यावरण का सिलेबस दो भागों में विभाजित होता है। पहले क्रम में हम देखेंगे विषय वस्तु को और यहाँ विषय वस्तु से सीधे तौर पे तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम में जो पर्यावरण शामिल किया गया है मूल रूप से पर्यावरण विषय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है इस बारे में जो आपका वर्णन है वो विषय वस्तु के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर अंकों के विभाजन की जब बात की जाएगी तो 15 अंक की यहाँ से बातचीत होती है। ठीक इसके अगले क्रम में जो हमने आपसे यहाँ अध्यापन की बात किया कि दूसरा क्रम अध्यापन का होता है, तो जब आप ये बात जान लेने के पश्चात कि पर्यावरण मूल रूप में है क्या, पर्यावरण विषय के अंतर्गत मुझे क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे एक क्रम बनता है कि पर्यावरण को पर्यावरण शिक्षक के द्वारा किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम की कौन सी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, कौन सी विधियां होनी चाहिए, कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए, अपने अध्यापन के दौरान किस किस प्रकार की सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वे कौन से पूर्वाग्रह हैं जो एक एनवायरनमेंट शिक्षक को एनवायरनमेंट का शिक्षण करने में प्रभावित करते हैं, इसमें किस किस प्रकार की कौन कौन सी सीखने की विधियों का प्रयोग किया जाता है के माध्यम से यहाँ पे आपको किस आधार पे शिक्षण करना चाहिए पे अध्यापन संबंधी मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा की जाती है। और इस अध्यापन संबंधी मुद्दों के लिए भी 15 प्रश्न और 15 अंक आपके लिए होते हैं। लेकिन यदि आप लगातार कुछ वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि सीटेट के अंतर्गत यहाँ पे जो पैडागॉगी के अर्थात अध्यापन संबंधी मुद्दों के प्रश्नों की या अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रश्नों की श्रृंखला सर्वाधिक या अधिक मात्रा में होती है। अर्थात ये जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं अर्थात एक शिक्षण को किस तरह से शिक्षण अधिगम करना चाहिए, वह कौन सी विधि हो जिसके माध्यम से एक शिक्षक अधिक से अधिक बालकों में अधिगम को करा सके, और वे कौन सी विधि हो जिसके माध्यम से एक शिक्षक छात्रों में सरलता से अधिगम की क्रियाविधि को उन्हें आसानी से सुचारू रूप से सिखा सके। दूसरी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विषय वस्तु के अंतर्गत यहाँ पे जो चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं इन चैप्टर से भी सीधे तौर पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के ही प्रश्न बनते हैं, अर्थात सीटेट के जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है या सीटेट के प्रश्नों की जो एक क्रम निर्धारित होता है वो समझ के आधार पे चिंतन के आधार पे दिया जाने वाला प्रश्न होता है। इस वीडियो के अंत में एक और महत्वपूर्ण हम आपसे बातचीत करेंगे कि आपने अपने यहाँ ये अनुभव किया होगा दैनिक जीवन में कि सीटेट के प्रश्नों को पढ़ते हुए जब एक क्रम में पेपर पे आंसर लगाते हुए पहले क्रम में आप चले जाते हैं 1 से लेकर के 150 तक, इसके बाद जब आप दोबारा OMR सीट भरने लगते हैं तो आप 8, 10, 15 ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके ऑप्शन लगता है कि कुछ और है और आप चेंज कर देते हैं। दोस्त जब आंसर की आती है तो लगता है कि अरे ये तो बड़ा गलत कर दिया, जो पहले लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट और सही था, बहुत गलती हो गई। ऐसा क्यों होता है लास्ट में इस वीडियो में इस पर भी चर्चा होगी कि इस प्रकार की गलतियां इस प्रकार के जो त्रुटियां हैं वो आप दोबारा ना दोहरा पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं विषय वस्तु के क्रम में और यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे इसके पहले क्रम की कि मित्र और परिवार। यहाँ पे पहले क्रम में ही लिखा हुआ है कि मित्र और परिवार,
और यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस मित्र और परिवार के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहले हम इस बात पे फोकस करेंगे कि बालक जब इस धरा धरातल पर आता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ के सानिध्य में रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों के, फिर धीरे धीरे वह पास पड़ोस में जाता है और उसके माध्यम से वह यहाँ पे अपने वातावरण से धीरे धीरे रूबरू होने लगता है और वह यहाँ पे इस वातावरण में संबंध बनाने लगता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे किस आधार पे इस वातावरण में संबंधों को स्थापित किया जाए, किस तरीके से उन्हें एक बेहतर माहौल प्रदान किया जाए, साथ ही साथ समाज में या इस वातावरण में किस प्रकार के व्यक्तियों के क्या क्या कार्य हैं और वे कार्य को किस आधार पे करते हैं, उनके कार्य को करने के तरीके क्या हैं, गतिविधियां क्या हैं और वे कार्य को यदि सुचारू रूप से ना करें तो उसका प्रभाव क्या होगा। इसके साथ ही साथ खेल के क्या क्या माध्यम हैं और खेल के माध्यम से एक बालक किस प्रकार से बेहतर ढंग से सीखता है और इस सीखने के क्रम में, चूंकि देखिए खेल का मैदान ही वो माध्यम है जहाँ पे बालक का क्या होता है दोस्त, वहीं से बालक का सामाजिकरण होता है। तो कार्य एवं खेल नेक्स्ट क्रम पे देखेंगे कि इस तंत्र में वातावरण में पशुओं का क्या योगदान है, एक तंत्र में एक क्रम में पशुएं इस वातावरण में किस प्रकार सहयोगी हैं, सहायक हैं और यहाँ पे वातावरण में जीवों के इस कृत्यों के लिए इनकी क्या उपयोगिता, इनकी क्या आवश्यकता है, साथ ही साथ जीवन के लिए मूलभूत जो है कि पौधों के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पे पेड़, वनस्पतियाँ, फल, सब्जी इत्यादि पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा कि किस प्रकार ये वातावरण की विषय वस्तुएँ हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्रम में भोजन, भोजन में विटामिन, प्रोटीन और इसके साथ ही साथ किस प्रकार का भोजन उत्तम होता है, भोजन में किन किन अवयवों को शामिल करना चाहिए, एक स्वस्थ बालक के मस्तिष्क के विकास के लिए भोजन का क्या मानक होना चाहिए। नेक्स्ट आश्रय पे बातचीत किया जाएगा दोस्त की, आश्रय के क्रम में हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार से है, उसके बाद यहाँ पे इस वातावरण में रहने के लिए जीव किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है और अपने परिवेश का निर्माण किस प्रकार करता है। नेक्स्ट जीवन जीने के लिए किस प्रकार जल उपयोगी है और यहाँ पे जल की उपयोगिता के साथ ही साथ यहाँ पे जल के प्रदूषण इत्यादि के बारे में, साथ ही साथ हमें यात्रा के माध्यम से किस प्रकार वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे पुरालेख, प्राचीन समय के बारे में और भी ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। यहाँ पर एक और बिंदु को यदि शामिल कर दें तो होता है कि हम क्या सोचते हैं, हम जो सोचते हैं और उसका हम क्या करते हैं, क्रियान्वयन कैसे करते हैं, अर्थात हम जो सोचते हैं इस धरा धरातल पर उसका क्रियान्वयन किस प्रकार इस वातावरण में कर पाते हैं, विषय वस्तु के अंतर्गत यहाँ पे इसका अध्ययन आपको करना होगा। नेक्स्ट आगे क्रम में आएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू को देखेंगे अध्यापन के क्रम में, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि पर्यावरण की संकल्पना और क्षेत्र, अर्थात वास्तव में पर्यावरण है क्या, अर्थात जैसे आप ये समझते हैं कि परि प्लस आवरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है या हमें चारों तरफ से ढके हुए, तो यहाँ पे इस पर्यावरण की मूल या इसका ऐसे समझे कि संकल्पनात्मक इसका निचोड़ क्या है, वास्तव में मूल रूप में पर्यावरण है क्या, इसके बारे में और इससे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी कि पर्यावरण हमें किन किन पहलुओं के रूप में जीव को प्रभावित करता रहता है। नेक्स्ट क्रम की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पर्यावरण का संकेत व एकीकृत पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है
वह समय समय पर किन गतिविधियों के माध्यम से मनुष्यों के लिए उपयोगी हितकर वह उन्हें समय समय पर किस प्रकार से आगाह करता रहता है। नेक्स्ट क्रम पे आगे आएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब यहाँ पे बात किया जाएगा पर्यावरण अध्ययन के बारे में कि किस प्रकार विषय वस्तु को पढ़ाया जाए। यदि पर्यावरण की कक्षा में एक छात्र शरारत करता हुआ पाया जाता है तो एक शिक्षक के तौर पर आपकी क्या गतिविधियाँ होंगी। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ा जाएगा कि किन किन अप्रोच के माध्यम से, किन किन शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सीखने के नियम अर्थात पर्यावरण अध्ययन के क्रम में किस प्रकार सीखने के नियम उपयोगी हैं, अर्थात यहाँ पे प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन और साथ ही साथ स्कीनर का सीखने का नियम, थार्नडाइक का सीखने का नियम, कोहलर का सीखने का नियम, बहुत सारे नियम किस प्रकार पर्यावरण शिक्षण से संबंधित होते हैं और वे किस प्रकार से इसमें सहायता प्रदान करते हैं पे विस्तार से चर्चा होगी दोस्त। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का संबंध व क्षेत्र, अर्थात यहाँ पे विज्ञान के क्रम में आप ध्यान देंगे कि विज्ञान की यदि परिभाषा लिया जाए कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है और सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान कहलाता है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों का क्रमबद्ध अध्ययन उसके वातावरण में करते हैं तो हमारे विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का संबंध होता है और जिन जिन आयामों के आधार पर इसे किया जाता है इससे यहाँ पे इसके क्षेत्र का वर्णन होता है। नेक्स्ट सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई कि संकल्पना प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि संकल्पना अर्थात यहाँ पे उससे संबंधित विचार, पर्यावरण से संबंधित विचारधाराओं को, पर्यावरण से संबंधित उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बालकों के सामने किस दृष्टिकोण से, मतलब किस आधार पर प्रस्तुत किया जाए कि सहजता से, सरलता से और वे उत्साहपूर्वक प्रेरणात्मक ढंग से आत्मसात कर पाए। नेक्स्ट क्रम पे देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन के दौरान किस किन प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट या प्रायोगिक कार्य किए जाते हैं और किन किन बिंदुओं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता है पे यहाँ पे विस्तार से आपसे चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्रम पे आएंगे तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्रम में आप ध्यान देंगे कि जब बालक निर्माण की अवस्था में होता है तो निर्माण की अवस्था में अर्थात जैसे आप देखेंगे कि साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, 3 माह पे एग्जाम, 6 माह पे एग्जाम, ये सतत अर्थात निर्माण की उस कक्षा में उसमें और कितने परिवर्तन करके उसको और अच्छा बनाया जा सकता है इससे संबंधित मूल्यांकन, व्यापक अर्थात उसका वार्षिक एग्जाम होने पर उसको बता देना कि वो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, किस श्रेणी में है, इस आधार का मूल्यांकन किस आधार पे पर्यावरण अध्ययन के अप्रोच में किया जाएगा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। साथ ही साथ शिक्षण सहायक सामग्रियां कि हम पर्यावरण अध्ययन के दौरान किन किन प्रकार की सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि हम ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कुछ वास्तविक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अगर आपको पत्ती पढ़ाना है तो पत्ती, वास्तविक पत्ती ले आते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे वर्तमान समय में पर्यावरण में निहित समस्याएं, प्रदूषण से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और इसमें हो रहे समस्त प्रकार के समसामयिक घटना चक्र को लेते हुए, समसामयिक घटनाओं को या उससे संबंधित पहलुओं को लेते हुए चला जाएगा और यहाँ पे अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। तो यहाँ पे हमने आज आपसे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपसे इसके सिलेबस पे बातचीत किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।